हेलो एंड वेलकम ऑल। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कंडीशनल्स। कंडीशनल्स को सपोजिशनल्स भी कहा जाता है। सो टॉपिक है कंडीशनल्स और सपोजिशनल्स, किंतु इनका दूसरा भी नाम है और वो है कंडीशनल सेंटेंसेस और सपोजिशनल सेंटेंसेस। तो हम क्या लर्न करने वाले हैं एक्चुअली? एक्चुअली हम लर्न करने वाले हैं सेंटेंसेस। सेंटेंसेस कैसे? कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल मतलब शर्त वाले सेंटेंसेस हम लर्न करने वाले हैं। शर्त बताना होता है तो किस किस तरह के सेंटेंसेस ज़्यादा से बताते हैं, यही लर्न करना है। और रेन एंड मार्टिन के इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के बुक के अनुसार तीन तरह का होता है कंडीशनल सेंटेंस। एक तरह का जो सेंटेंस होता है उसका एग्जाम्पल है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे। एक्चुअली एक ही सेंटेंस है, दो पार्ट में लिखा गया है, इसका कारण है बता दूंगा कुछ देर में ही। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यह एक कंडीशन हो गया, तुम सफल होगे। तो पहला तरह का कंडीशनल सेंटेंस हुआ। दूसरे तरह का है, यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो तुम्हारे पास उड़ आऊं, यह दूसरे तरह का कंडीशनल सेंटेंस हो गया। और लास्ट जो टाइप है वह है, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो सफल हुए होते। तो इस तरह से तीन तरह के होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस और तीनों के एग्जाम्पल आपके सामने दे दिया है। अंतर क्या है तीनों में? तो पहले देखते हैं टाइप का नाम क्या है। पहला है ओपन कंडीशन और सेकेंड टाइप है उसका नाम है इमेजिनरी कंडीशन, और जो थर्ड वन है वह है अनफुलफिल्ड कंडीशन। सो ये तीन तरह के होते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। और आप देख भी रहे हैं जो सेंटेंस तीन लिखे हैं, एक सेंटेंस को दो पार्ट कर दिया है। पहला पार्ट लिखा है ब्लू इंक में और जो लास्ट पार्ट है इसे लिखा है पर्पल इंक में। जो ब्लू इंक वाला पोर्शन है वह कंडीशन को दिखा रहा है, शर्त को दिखा रहा है। यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे शर्त है, यदि मैं पक्षी हो जाऊं यह भी एक शर्त है, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता यह भी एक शर्त है। और जो पर्पल वाला है यह दिखाता है रिजल्ट को। तो सफल हो गए, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल हो गए, तो सफल हो गए, यह हो गया रिजल्ट। यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो तुम्हारे पास उड़ आऊं, तो यहाँ पे यह रिजल्ट। फिर लास्ट में तो सफल हुए होते, यह भी रिजल्ट। तो इसका साफ मतलब है कि एवरी कंडीशनल सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक होता है कंडीशन और दूसरा होता है रिजल्ट, दोनों होता है। ओके, तो हमने देख लिया कि कंडीशनल सेंटेंसेस कैसे होते हैं। अब ओपन कंडीशन का मतलब क्या होता है? कंडीशन ओपन, तो कंडीशन का पोर्शन है यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे। कंडीशन ओपन का मतलब यह हो गया कि अगर यह कंडीशन फुलफिल हुआ, पूरा हुआ, तो परिणाम आएगा। अगर कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो परिणाम नहीं आएगा। मतलब परिणाम का आना और न आना ओपन होता है कंडीशन के फुलफिल होने न होने पे, इसलिए इसे कहते हैं ओपन कंडीशन। दूसरा समझेंगे तो पहला भी क्लियर हो जाएगा। दूसरा है इमेजिनरी कंडीशन, मतलब कल्पना करने वाला कंडीशन, काल्पनिक कंडीशन, काल्पनिक शर्त। यदि मैं पक्षी हो जाऊं मतलब मैं मानव हूं, पक्षी तो हो ही नहीं सकता, तो एक कल्पना मात्र है। तो यह काल्पनिक इमेजिनेशन है, सॉरी इमेजिनेशन जो है यह सेंटेंस एक इमेजिनेशन है और यह एग्जाम्पल है इमेजिनरी कंडीशन का। और फिर यह कभी पूरा तो होता नहीं, आप जानते हैं, तो इसका शर्त भी, इसका रिजल्ट भी कभी पूरा नहीं होता। तो एक होता है कि एक ओपन कंडीशन की वो डिपेंड, उसका रिजल्ट डिपेंड करता है कंडीशन पूरा होने पे। दूसरा होता है इमेजिनरी वाला जो कि काल्पनिक होता है, जो न कंडीशन पूरा होता है और न रिजल्ट पूरा होता है। और एक होता है अनफुलफिल्ड कंडीशन। अनफुलफिल्ड कंडीशन का मतलब होता है, मान लीजिए किसी पर्टिकुलर एग्जाम देने का लास्ट एज है 25 ईयर्स, और 25 ईयर्स अब क्रॉस हो गया है, किसी पर्टिकुलर पर्सन का 26 ईयर्स हो गया है। तो अब उसको कहेंगे हम कि यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो सफल हुए होते, मतलब टाइम निकल चुका है। अब शर्त जो है वह कह रहा है कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते, अनफुलफिल्ड हो गया, पूरा नहीं कर सकते कंडीशन को। तो यहाँ पे ये जो लिखा हुआ रहता है, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता, कर सकते नहीं अभी,
मतलब यह भी कंडीशन फुलफिल नहीं होता है तो सफल हुए होते। तो यहाँ पे कंडीशन तीन तरह का, एक जिस ओपन कंडीशन, दूसरा इमेजिनरी कंडीशन और तीसरा अनफुलफिल्ड कंडीशन। हम तीनों का ही स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं अगले स्लाइड्स में। उससे पहले इन सब का इंग्लिश में क्या है, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल, पहला का ट्रांसलेशन है, हम इसे बहुत ही अच्छे से स्ट्रक्चर की सहायता से लर्न करेंगे। दूसरा का, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, आई के साथ वर क्यों होगा यह भी समझेंगे। देन यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो सफल हुए होते, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल। सो आगे मूव करने से पहले बता दूं, अगर यह आपके लिए यूजफुल है, समझ में आ रहा है, तो इसको शेयर करिए, दोस्तों तक फैलाइए इसको, उन सबको भी इसका फायदा मिले। आगे बढ़ते हुए ओपन कंडीशन की बात करते हैं। ओपन कंडीशन में क्या होता है, ओपन कंडीशन का सेंटेंस आपने यही देखा था, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे, यही देखा था, और इसका इंग्लिश भी देखा था, इफ यू वर्क हार्ड यू विल बी सक्सेसफुल। सो इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए एससी का मतलब होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज और पीसी का मतलब होता है प्रिंसिपल क्लॉज। प्रिंसिपल क्लॉज मतलब मेन क्लॉज। अगर सेंटेंस का पोर्शन कंजक्शन से शुरू होता है तो वह सेंटेंस सबॉर्डिनेट क्लॉज में होता है, वह सेंटेंस का पोर्शन सबॉर्डिनेट क्लॉज का होता है। यहाँ पे इफ एक कंजक्शन है, जो तीनों देखा टाइप तीनों ही इफ से शुरू हो रहा था। सो जो ये पोर्शन होता है कंडीशन वाला, यह होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज, और जो पोर्शन होता है रिजल्ट वाला, यह होता है प्रिंसिपल क्लॉज। और ध्यान रखिए हिंदी में तो सफल हो गए, यहाँ पे हिंदी में तुम नहीं लिखा हुआ है, तुम हो भी सकता है, जरूरत नहीं होती है। तो हम सबॉर्डिनेट क्लॉज का सब्जेक्ट चाहिए होता है, तो जो सब्जेक्ट इधर होता है उसको हम ला लेते हैं समझ कर अपने से। एनीवेज, तो सबॉर्डिनेट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज, तो इसमें ओपन कंडीशन में सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है प्रेजेंट सिंपल में और प्रिंसिपल क्लॉज होता है फ्यूचर सिंपल में। हिंदी में देखेंगे तो हिंदी में क्या है, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, जो कंडीशन वाला पोर्शन है यहाँ पे भी करोगे, फ्यूचर का बोध, टाइम का बोध हो रहा है एज वेल, तो सफल हो गए, ये भी फ्यूचर का ही बोध हो रहा है। लेकिन जब ट्रांसलेट करते हैं तो कंडीशन वाले पोर्शन को हम रखते हैं प्रेजेंट सिंपल में और रिजल्ट वाले पोर्शन को हम सिंपल फ्यूचर सिंपल में ही रखते हैं। तो यदि का आप जानते हैं, इफ कठिन परिश्रम करोगे यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, इंग्लिश में तो यही हो गया, लेकिन फ्यूचर टाइम कब होता है इसे, सो इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल बी सक्सेसफुल, इस तरह का होता है स्ट्रक्चर इसका ओपन कंडीशन का। थोड़ा कम समझ में आया होगा, एग्जाम्पल्स बहुत सारे हैं, समझिए। इफ राम स्टडीज हार्ड, यदि राम कठिन पढ़ाई करेगा, करता है नहीं करेगा, यहां पे देख रहे हैं ना, करेगा, तो कमा के बदले में तो बोल दीजिए, तो ही विल गेट अ फर्स्ट क्लास, तो वह फर्स्ट क्लास प्राप्त करेगा, हिंदी मीनिंग हो गया। इफ इट रेन्स दे विल पोस्टपोन देयर पिकनिक, यदि वर्षा होगी तो वे लोग अपना पिकनिक स्थगित करेंगे। फिर है, इफ आई फाइंड द पेंसिल आई शैल गिव इट टू यू, यदि मैं पेंसिल पाऊंगा तो मैं इसे तुम्हें दे दूंगा। फिर है, इफ सी रन्स ऑल द टाइम, यदि वह हमेशा दौड़ेगी तो शी कैन गेट देयर इन टाइम, वह वहाँ समय से पहुंच सकेगी। फिर है, इफ हिज अंकल अराइव्स, यदि उसके चाचा पहुंचेंगे तो ही मे नॉट कम विद यू, वह तुम्हारे साथ नहीं आ सकेगा। और फिर है, इफ सी हिट्स द डॉग, यदि वह कुत्ता को मारेगी तो इट विल बाइट हर, यह उसे काटेगा। तो यहाँ पे आपने देख लिया जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर को बेस्ड है, बहुत सारा सेंटेंस दे दिया है, ध्यान से सुनिएगा इसको।
फिर नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट पोर्शन में आ जाएगा ओपन कंडीशन का एक चीज है जो बताना जरूरी है। आपने यह सब तो देखे लिया, इसमें है क्या है, यह हिंदी में यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे, हिंदी यही था। अगर हिंदी में यदि शब्द को हटा दिया जाए, तुम कठिन परिश्रम करोगे तो सफल होगे, तो यह भी कंडीशन को ही दिखा रहा है और इसका भी ट्रांसलेशन जैसे होता है वैसे ही होगा। तो बिना यदि का भी पहला कंडीशन वाला सेंटेंस होता है। दूसरी बात जो तीनों कंडीशन में लगेगी, यह नीचे की बात आप देख रहे हैं, सेंटेंस में जब ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो कंडीशन वाला पोर्शन को पहले और जो रिजल्ट वाला पोर्शन है उसे बाद में हम लिख रहे हैं। हम इसे बदल सकते हैं, हम रिजल्ट वाले पोर्शन को पहले और कंडीशन वाले पोर्शन को बाद में लिख सकते हैं, किसी भी तरह का कंडीशन वाला को। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब रिजल्ट वाला, जब कंडीशन वाला पोर्शन बाद में लिखाएगा तो कमा नहीं आएगा। जैसे यहाँ पे कमा था, इधर कमा नहीं है, कमा नहीं आएगा, ध्यान रखना है। सभी के लिए लागू होता है, आप सभी को चेंज कर सकते हैं इस तरह से। अब आगे बढ़ते हुए टाइप टू पे, यह है इमेजिनरी कंडीशन, मतलब एक कभी कल्पना पूरी ही नहीं होती है, एक कल्पना ही होती है। यदि मैं पक्षी हो जाऊं तो तुम्हारे पास उड़ आऊं, देखा है आपने, इसका ट्रांसलेशन भी देखा है। और इसका स्ट्रक्चर में फिर सबसे पहले सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा, फिर प्रिंसिपल क्लॉज होगा, जो भी मिलेगा आपको, आपने देखा भी था शुरू में सबॉर्डिनेट क्लॉज पहले है क्योंकि इफ से शुरू किया हमने, बाद में प्रिंसिपल क्लॉज मिलता है। यहाँ पे सबॉर्डिनेट क्लॉज होगा पास्ट सिंपल में और प्रिंसिपल क्लॉज भी होगा पास्ट सिंपल में, दोनों सेम होता है। तीन होते हैं ना, एक होगा ओपन वाला, ओपन, दूसरा हो गया इमेजिनरी वाला, तीसरा हो जाएगा अनफुलफिल वाला। तो इमेजिनरी का दोनों का टेंस एक होता है, अनफुलफिल्ड का दोनों का टेंस एक होता है। ओपन वाला का टेंस में जो होता है कंडीशन, उसका जो टेंस होता है वह होता है प्रेजेंट सिंपल, और जो होता है रिजल्ट का पोर्शन वो होता है फ्यूचर सिंपल। बाकी दोनों का, दो और तीन का टेंस एक ही जैसा होता है दोनों पोर्शन में, पास्ट सिंपल, पास्ट सिंपल। यदि मैं पक्षी हो जाऊं, इफ आई वर अ बर्ड, यदि का तो ठीक है, मैं पक्षी हो जाऊं, आई वॉज अ बर्ड होना चाहिए, राइट, आई वॉज अ बर्ड। लेकिन एक कल्पना है, कोरी कल्पना है, तो एक लेक्चर है इसी चैनल पर, एज इफ एज दो, बहुत ही बेहतरीन, बहुत सारे बुक्स की सहायता से कलेक्ट किया गया है, बनाया गया है उसको। तो उसमें बताया गया है कि कोई कोरी कल्पना होती है तो वहाँ पे सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लुरल वर्ब यूज करते हैं, प्लुरल वर्ब। तो आई के साथ अगर वॉज और वर की बात होगी तो प्लुरल वर्ब हमें कोरी कल्पना के साथ यूज करना होता है, यहाँ भी लागू होगा। तो वॉज नहीं आएगा, वर आएगा, इसलिए यहाँ पे वर आया है। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी हो जाऊँ, यदि मैं पक्षी हो जाऊँ तो तुम्हारे पास उड़ आऊं, आई वुड फ्लाई टू यू। यहाँ पे विल का वुड करके इसको पास्ट सिंपल का फॉर्म में ला दिया है। सो इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, ये हो गया इसका ट्रांसलेशन, आपने देख भी लिया था। अब एग्जांपल्स देखते हैं फिर। इफ अ लायन अपीयर्ड हियर ऑल वुड फ्ली अवे, यदि एक शेर यहां प्रकट हो जाए, यदि एक शेर यहाँ प्रकट हो जाए, ऑल वुड फ्लाई अवे, सभी भाग खड़े हो, सभी भाग खड़े हो। फिर इफ आई वर यू, यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम हूं, आई शैल नॉट डू दैट, मैं उसे नहीं करूं, अगर मैं तुम हो मैं उसे नहीं करूं। नेक्स्ट वन, इफ वी स्टार्टेड नाउ, यदि हम अभी शुरू करते, यदि हम अभी शुरू करते, वी कुड बी इन टाइम, हम समय से होते, यदि हम अभी शुरू करते हम समय से होते, हो सकते, हो सकते, कुड बी ना, हो सकते। नेक्स्ट वन, If I were king, यदि मैं राजा होता, I would make you my king,
मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सब कोरी कल्पना है। फिर ऐसे ही इफ ही स्टॉप स्मोकिंग, यदि वह स्मोकिंग रोकता, ही माइट गेट फैट, वह मोटा हो सकता। देन इफ आई हैड अ डिग्री, यदि मुझे डिग्री होती, आई कुड गेट अ जॉब इजली, मैं आसानी से जॉब कर सकता, ऐसा कुछ। इसमें जो ध्यान देने की बात है, वो ध्यान देने की बात यह है कि सॉरी जो ये हमने देखा स्ट्रक्चर के आधार पर, इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यहाँ पे हम वर की सहायता से, अगर वर रहता है तो वर को बाहर निकाल कर भी हम कर सकते हैं, वर का भी यूज कर सकते हैं। कैसे? वर को बाहर निकाल दिया, इफ को हटा दिया, जब वर बाहर निकल, इफ हट जाएगा, जितना बचेगा उतना लिख देंगे, आई अ बर्ड बचा है, आई अ बर्ड हो गया, फिर दूसरे पोर्शन में कोई चेंज नहीं होता है। तो जब वर होता है तो वर का यूज हम कर सकते हैं, इफ हटा भी सकते हैं वर को अगर आगे निकालते हैं तो। यहाँ पे हुआ वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। नेक्स्ट जो टाइप है, टाइप नंबर थ्री, यहाँ पे एक और चीज छूट रहा है, शुड से भी हम कर सकते हैं, शुड आई बिकम अ बर्ड, शुड और के साथ बिकम जरूर आएगा, शुड और फिर सब्जेक्ट बिकम, शुड आई बिकम अ बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू। इसका प्रचलन बहुत ही कम है, आपको जानना चाहिए, इसलिए लिख दिया हूँ। शुड और बिकम के साथ भी बनता है, लेकिन वर वाला बहुत अधिक चलता है, इसे ध्यान रखना है। थर्ड वन, अनफुलफिल्ड कंडीशन, आपने एग्जाम्पल देखा था, वही सेम एग्जाम्पल है, ट्रांसलेशन भी सेम है, और इसका स्ट्रक्चर यहाँ पे कहा था आपको कि तीसरे में भी टेंस समान होते हैं, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट दोनों पोर्शन का होता है, ठीक है। तो क्या हुआ, यदि यहाँ पे इफ तुमने कठिन परिश्रम किया होता, यू हैड वर्कड हार्ड, पास्ट परफेक्ट है, तो सफल हुए होते, यू वुड हैव बीन सक्सेसफुल, ये भी पास्ट परफेक्ट का फॉर्म को सूट कर दिया है। अब इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, इफ यू हैड स्टडीड हार्ड, यदि तुम कठिन पढ़ाई किए होते तो यू वुड हैव गॉट अ फर्स्ट क्लास, तो तुम फर्स्ट क्लास प्राप्त किए होते। इफ आई हैड ट्राइड अगेन, यदि मैं दोबारा प्रयास किया होता तो आई शुड हैव सक्सीडेड, मैं सफल हुआ होता। इफ आई हैड सीन हिम, यदि मैं उसे देखा होता तो आई कुड हैव सेव्ड हिम, मैं उसे बचा लिया होता। फिर है इफ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आए होते, सॉरी, इफ यदि तुम मेरे पास आए होते, आई वुड नॉट हैव गॉट इन टू ट्रबल, मैं समस्या में नहीं पड़ा होता। इफ देयर हैड बीन रेन, यदि वर्षा हुई होती, देयर वुड हैव बीन गुड क्रॉप्स, अच्छे फसल हुए होते। इफ ही हैड विजिटेड आगरा, यदि वह आगरा गया होता, ही वुड हैव सीन द ताजमहल, वह ताजमहल देखा होता। तो यहाँ पे अनफुलफिल्ड कंडीशंस है, मतलब ऐसा किया नहीं ना हुआ, तो इसका देख लिया आपने। इसमें एक एक्स्ट्रा है, यह क्या है कि हम यहाँ भी इफ को हटाएंगे, हैड को बाहर रख देंगे, इफ को हटाकर हैड बाहर रखेंगे, और जितना बचेगा उसे रख देंगे, यू वर्कड हार्ड तो यू वर्कड हार्ड, हैड यू वर्कड हार्ड, और दूसरे पोर्शन में कोई बदलाव नहीं होगा, ऐसे भी, और ये भी बहुत चलता है, जिस तरह से वर वाला होता है वैसे ही ये भी बहुत चलता है। तो इस तरह से अनफुलफिल्ड कंडीशन को पूरा कर लिया हमने। आज जो हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, में देखा तीन तरह के कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, एक होता है ओपन कंडीशन, दूसरा इमेजिनरी, और तीसरा अनफुलफिल्ड। टेंस की बात करते हैं तो यदि वाला जो पोर्शन होता है आप जानते हैं, कंडीशन वाला पोर्शन होता है जिसे जो सबॉर्डिनेट क्लॉज में होता है, और तीनों के लिए, पहले में
जो यदि वाला पोर्शन होता है सबॉर्डिनेट क्लॉज होता है, यह होता है प्रेजेंट सिंपल में, और रिजल्ट वाला होता है फ्यूचर सिंपल में। इमेजिनरी में पहला वाला पोर्शन होता है पास्ट सिंपल में, दूसरा पोर्शन भी सेम टेंस में पास्ट सिंपल में, तीसरा अनफुलफिल्ड में पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा पोर्शन भी पास्ट परफेक्ट में होता है। और कंडीशन में ओपन कंडीशन मतलब रिजल्ट के कंडीशन के पर बेस्ड होता है रिजल्ट, और इमेजिनरी में कंडीशन ही काल्पनिक होता है, तो रिजल्ट का तो आप समझ रहे हैं वो भी काल्पनिक ही होगा। और तीसरा अनफोल्डिंग में कंडीशन ऐसा होता है जो समय निकल गया है, पूरा ही नहीं हो सकता है, तो रिजल्ट तो आना ही नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह का तीन तरह का कंडीशन होता है, आपने लर्न कर लिया है। आपको कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। बहुत अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपने दोस्तों को वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।